हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी पेंशनर्स से रिलेटेड। आज के जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें पेंशनर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो किस तरीके से रिजॉल्व करना है उसके बारे में जो नोटिफिकेशन आया है वो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स पे भी। खासकर आप अगर प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की वेबसाइट को अगर आप सर्फ करते हैं तो आपको इसका जो है डेली टू डेली अपडेट इसको आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट जो है पेंशन अदालत लगने वाली है वो कहाँ पे लगने वाली है और उसको जो है अटेंड करने के क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, टाइम टू टाइम जो है डिफेंस पेंशन अदालत जो है लगाई जाती है। इस डिफेंस पेंशन अदालत का मेन मोटिव ये होता है कि जो भी पेंशनर से रिलेटेड कोई भी इशू है, या तो रिवीजन ऑफ पेंशन है, या पीपीओ से रिलेटेड कोई इशू है, या पेंशन का जो है डिले हो रहा है, उन सब से रिलेटेड इशू जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस पेंशन अदालत का मेन मोटिव होता है कि आपको टाइमली ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट आपको जो है रिलीफ मिलता है। और बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, जिस जगह पे भी ये पेंशन अदालत लगाई जाती है वहाँ पे आपको जो है अटेंड करना पड़ता है। उससे पहले आपको जो है अपना जो भी इशू है वो आपको ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू जो है भेजना पड़ता है। वो ईमेल जब उनके पास रिसीव होती है तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट आता है, जिसमें कि आपके पास एक यूनिक आईडी आती है। वो यूनिक आईडी वो होती है जिसके थ्रू आपका जो है केस बनता है। बेसिकली जो मेन पॉइंट्स इसमें ध्यान देने वाले हैं वो ये हैं कि आपको जब भी आप किसी भी पेंशन अदालत को अटेंड करने जाते हैं तो भी जो भी आपका जो इशू है उसको जो है डिटेल्ड में लिखें, जिससे कि बार बार या तो लेटर या ईमेल का जो है बैक एंड फोर्थ ना हो। और जिस मोमेंट भी जो है आपके पास एक्नॉलेजमेंट आता है उस एक्नॉलेजमेंट को लेके आपने वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ पे अपना जो है केस प्रेजेंट करना पड़ता है। दोस्तों, अभी जो डिफेंस पेंशन अदालत है वो लग रही है दीमापुर में 27 और 28 मई को। बेसिकली आज 21 है, तो जो लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अभी पेंशन अदालत ऑफिसर प्रिंसिपल CDA इलाहाबाद में जो है अपना लेटर या ईमेल आईडी भी दे रखा है, आप ईमेल कर सकते हैं। बेसिकली जो लेटर है वो ईमेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जा सकता है। फ़ोटो कॉपीज़ आपको भेजनी पड़ती है अपनी पीपीओ की, अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेज रहे हैं। अगर आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो आप उसको स्कैन करके अटैच करके भेजें। और ईच एप्लीकेशन विल बी एलोकेटेड अ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मैंने आपको बताया एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे जो है आपको अपना केस प्रेजेंट करना है। तो अल्टीमेटली आपने अपनी पूरी की पूरी जो भी आपका इशू है आपको वहाँ जाके प्रेजेंट करना है, और उसके बेस पे ही आपको आपको जो रिलीफ मिलेगा। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें कोई लेटर नहीं लिखना, किसी अथॉरिटी के पास नहीं जाना। पेंशन अदालत लगती है और वहाँ पर जो है जो जो भी अथॉरिटी बैठी होती है वो उसके ऊपर फैसला लेती है। दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट डिफेंस पेंशन अदालत से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।